नमस्कार। आज 24 मई है और 24 मई को मैं आज एक बार पुनः उसी चौराहे पर खड़ा हूँ जहाँ से 22 मई की रात्रि में मैंने कुछ दृश्य दिखाए थे। दृश्य ये होते हैं कि राजसमंद जिले की 100 फीट चौराहे पर इस सर्किल के बीचों बीच मेवाड़ गौरव संस्थान द्वारा हाथों हाथ रातों रात एक महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उस दिन महाराणा प्रताप जयंती होती है, तो एक जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था कि जिला मुख्यालय राजसमंद पर कहीं पर भी महाराणा प्रताप की कोई भव्य प्रतिमा नहीं है, किसी चौराहे पर कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, तो उस लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो बताया जाता है कि एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित की गई थी, मगर आज सुबह पुनः वो चौराहा पहले की तरह है। वो प्रतिमा अब यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। अगर यहाँ इस सड़क पर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो ये कुछ सड़क में पड़े गड्ढे हैं चारों तरफ जिसमें कि वो प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो सिर्फ उन गड्ढों के अवशेष यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो ये बताते हैं कि अब ये प्रतिमा यहाँ पर नहीं है। और ये कार्रवाई किसके माध्यम से की गई है ये नहीं पता है, मगर अभी जो महाराणा प्रताप की वो प्रतिमा है वो नगर परिषद में रखी गई है। नगर परिषद के अंदर जाते ही जो मुख्य भवन है नगर परिषद का उसमें रखी गई है, और उस पर जब हमने वहाँ के विजुअल्स दृश्य देखे तो उस पर बाकायदा वहाँ माल्यार्पण हो गया था, पुष्पार्जन था। तो कोशिश वहाँ पर भी ये की जा रही है कि प्रतिमा को अब ससम्मान वहाँ स्थापित किया गया है। अब ये आगे का घटनाक्रम क्या होता है, मगर जो मौके की परिस्थिति है वो ये है कि एक लंबे घटनाक्रम में जिसमें परिषद की नाराज़गी, राजनीतिक जिम्मेदारों की अनदेखी, प्रशासन की कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी के कारण जो एक आक्रोश लोगों में था, उस आक्रोश के बाद ये प्रतिमा स्थापित की गई थी, मगर आज वो प्रतिमा अभी यहाँ से हटाकर नगर परिषद में रख दी गई है। कल रात बताया जा रहा है कि देर रात्रि तक तो ये प्रतिमा यहाँ थी, मगर इसको हटाने की कार्रवाई किसके द्वारा की गई है, कब की गई है, क्या इसको लेकर कोई चर्चा की गई थी, ये तमाम अभी सवाल अनसुलझे हैं, इनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। मगर आज सुबह की जो सबसे ताज़ा खबर है, जो सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ से वो प्रतिमा हटा दी गई है। हालांकि हमने जो मेवाड़ गौरव संस्थान है उनके पदाधिकारियों से भी बात हुई हमारी, उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं, वो अपनी आगे की क्या रणनीति रहेगी, आगे का क्या उनका रुख रहेगा उस पर भी बात करेंगे। और जो ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा का जो पेच लंबे समय से यहाँ फंसा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि 22 मई की उस घटनाक्रम के बाद, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिमा स्थापित की गई थी उसके बाद से लगातार ये अंदेशा बना हुआ था कि न जाने कितने दिन तक यहाँ प्रतिमा रहेगी, इस प्रतिमा के आगे का स्वरूप क्या होगा, इसको हटाया जाएगा, रखा जाएगा, या आपसी सामंजस्य के माध्यम से कोई एक मध्य मार्ग निकाला जाएगा। इन तमाम कयासों के बीच 24 मई की सुबह ये प्रतिमा नहीं है, ये बड़ी खबर है। अब यह घटनाक्रम क्या हुआ ये भी देखने वाली बात होगी, इसके भी तमाम पहलू हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर ये एक जो ज़रूरत लंबे समय से चली आ रही थी कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई जाए, तो आज के इस घटनाक्रम के बाद अब प्रशासन और राजनीतिक जिम्मेदारों की ये और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस विषय पर अब थोड़ा सा गंभीरता के साथ संज्ञान लेकर राजसमंद वासियों के मन में जो एक टीस थी, जिस टीस के कारण उस दिन 22 मई की रात्रि का ये घटनाक्रम हुआ था, उस टीस का कैसे समाधान निकले, इसको सुनिश्चित करना अब प्रशासन और राजनीतिक जिम्मेदारों की बड़ी जिम्मेदारी है। मगर हालिया जो परिदृश्य आप तक पहुंचा रहे हैं सुबह का यह घटनाक्रम, जहां लोग सुबह सुबह उठकर आए, उन्होंने देखा, जब 23 मई की सुबह को लोग यहां से गुजरे थे तो उन्होंने देखा था कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा एक स्थापित हो चुकी है, आज 24 मई की सुबह को जब लोग यहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्रतिमा पुनः हटा दी गई है। आसपास के लोगों से भी हमने बात की है, उनके मन में भी यही सवाल है कि आखिर किसने हटाई है, क्यों हटाई है, क्या घटनाक्रम चल रहा है, ये सभी चीज़ें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।